ब्लॉग ट्रैवल एंड ट्रैक इन इंडिया की टीम आपको ले आई है मोपोंगचुकेट गांव में। ये गांव जो है ये नागालैंड में स्थित है, मोपोंगचुक जिले में है। ये 16 किलोमीटर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और ये समुंदर तल से 13 से 24 किलोमीटर दूर है। ये जो विलेज है ये फेमस है एटिबन और जीना की लव स्टोरी के लिए, इसीलिए यहाँ पे एटिबन और जीना का टावर बना हुआ। ये देखिए, जब हम गांव में गए थे तो सबसे पहले उन्होंने एंट्री पे ही हमें ये ट्रेडिशनल ड्रेस जो है वो पहना दिया था। और ये बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, हमारा अंदाज़ा बिल्कुल गलत था। लोग कहते थे कि नागालैंड बिल्कुल सेफ नहीं है, वहाँ मत जाना, हेड हंटिंग पीपल है, लेकिन ऐसा वहाँ पे कोई। ये देखिए प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग है और ये जो गांव है ये नागालैंड का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है और ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और एक ये पूरे इंडिया के लिए सबक है कि कैसे लोग मिलजुल के उस कम्युनिटी एफर्ट से ये सारे काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक पार्क है, ये पार्क जो है ये जंगली जीवों का पार्क है। इसके अंदर से ये नदी भी जाती है, इसके ऊपर ये हैंगिंग ब्रिज है और यहाँ पे जंगली जानवर हैं और ये सारा कम्युनिटी एफर्ट से ही बना हुआ है। ये जो इनके ट्रेडिशनल देवी देवते होते हैं, तीन क्लैन हैं यहाँ पे, तो ये तीनों के अलग अलग हैं और ये हमेशा ट्राइबल लोग जो हैं ये किसी ना किसी एनिमल से या प्लांट से अपनी हेरिटेज को लिंक करते हैं। ये इसकी ही यादगार है। ये जब भी मुझे बता रहा था मैं, एटिबन और जीना का टावर है, इनकी लव स्टोरी भी हीर रांझा की तरह जो है वो एक इनकम्प्लीट लव स्टोरी रही और उनकी याद में ये बना। ये देखिए गांव है, गांव के अंदर ट्रेडिशनल घर हैं और जो रोड है देखिए गांव के अंदर वाली रोड मेटल रोड है। ये तकरीबन 5 स्क्वायर किलोमीटर में गाँव फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा गाँव है ये और इस गाँव के अंदर में कोई भी गंदगी जो है वो नहीं डल सकता, उसके लिए भी जुर्माना है। ये गांव के जो एनिमल्स वगैरह हैं या बाकी उनके पेट्स हैं वो आप गांव में नहीं रख सकते, गांव के बाहर उसके लिए कम्युनिटी ओन्ड जगह है जिसमें आप रखेंगे। ये देखिए ये ट्रेडिशनल जो डोमेट्री है, मेल डोमेट्री है, यहाँ पे यंग पीपल भी इकट्ठे होते हैं और ओल्ड पीपल उनको जो है कल्चरल ट्रेडिशन जो है वो यहाँ पे सिखाते हैं। तो यहाँ पे हालांकि अब ये जो मेल डॉर्मेटरी है यूज़ में भी नहीं आ रही, केवल इनके यादगार के तौर पे ये सारा बनाया हुआ है, क्योंकि अभी ये देखिए ये स्टील और एल्युमिनियम आने से ये शीट जो है अभी ये घर दूसरी किस्म के बनने शुरू हो गए। यहाँ 1894 में आए थे अमेरिकन मिशनरी और उन्होंने चर्च सेटअप किया था यहाँ पे। ये चर्च की बेल है और उससे पहले तो उनको यहाँ पे एंटर नहीं होने देते थे ये आओ लोग, ये आओ ट्राइब के लोग हैं, लेकिन किसी तरह से उन्होंने एंट्री पाई और उन्होंने इन लोगों को इतना इम्प्रेस किया कि ये लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ चले गए और आज तकरीबन 99% लोग जो है नागालैंड के वो क्रिश्चियन हैं। और दिस इज द फर्स्ट विलेज में यहाँ पे इस साइड से, असम की साइड से क्रिश्चियन मिशनरी जो है एंटर किए थे और यहीं से शुरू हुआ था क्रिश्चियनिटी का जो जेड़ा स्पेड। ये गांव का बहुत बड़ा चर्च है यहाँ पे और यहाँ पे जो चर्च के जो मिशनरी आए हैं उन्होंने बहुत काम किया लोगों के लिए, लोगों को पढ़ाया लिखाया। अब लिटरेसी जो रेट है वो नागालैंड में बहुत हाई है। ये जो आओ ट्राइब है इनकी आओ लैंग्वेज है, इसकी अपनी स्क्रिप्ट तो नहीं है ट्रेडिशनल, ये रोमन स्क्रिप्ट में ही इसको लिखा जाता है। वैसे नागालैंड की बाकी जितनी भी लैंग्वेज हैं वो टोटल डिफरेंट है, 13 ट्राइब हैं, 13 की लैंग्वेज आपस में डिफरेंट है और सभी लैंग्वेज जो है अभी रोमन में ही लिखी जाती है, इसीलिए इंग्लिश जो है नागालैंड की अभी भी फर्स्ट लैंग्वेज है। तो सरप्राइजिंगली लिटरेसी रेट जो है नागालैंड का बहुत हाई है। आओ ट्राइब एक बहुत प्रोमिनेंट ट्राइब है और पहले पहले जितने भी सीएम रहे हैं वो सारे आओ ट्राइब के रहे। जैसी जमीर जो है, ऐसी जमीर जो था रहा है नागालैंड का मुख्यमंत्री लंबे समय के लिए, वो भी आओ ट्राइब से ही है। अभी दूसरी ट्राइब भी थोड़ा आगे आ गए हैं, उनके भी सीएम बनने शुरू हो गए हैं और अभी नागालैंड के लोगों में काफ़ी जागृति आ गई है और सभी जो डायलैक्ट हैं लोकल वो उनकी एक मिक्स लैंग्वेज नगमी करके बन गई है।
जिसमें वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहले तो ये प्रॉब्लम थी कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होने की वजह से ये आपस में भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, हालांकि रिटर्न में ये नहीं थी। ये फिर वो टावर का, एटीबन जीना टावर का मंजर है, इसके ऊपर भी हम चढ़े थे और वहाँ से पूरे एरिए का व्यू जो है मिलता है। तो ये इसका इनके कल्चर और ट्रेडिशन में काफ़ी रोल है। ये देखिए गांव में ऐसे ये सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे है जैसे किसी सिटी में है। तो लोकल टीम जो थी, हमें वो लोग मिले, उन्होंने हमें खाना भी खिलाया, सत्कार। ये देखिए हम गेट पे खड़े हैं, यहाँ से एंट्री गेट था जब खड़े, ये देखिए गेट से लगे आगे तक, ये हमारी टीम है, लोकल टीम है, ये टीम ट्रैवल एंड ट्रैक इन इंडिया की, इन्होंने हमें सारा विजिट कराया, इनका भी धन्यवाद। और ये लोग बहुत अच्छे हैं, और जैसे कि पहले लोग कहते थे कि ये हेड हंटिंग होते हैं नागर, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। दे आर एज गुड और बैड एज वी आर इन रेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये सारा जो सीन है ये इस गांव का, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये नागालैंड का क्लीनेस्ट विलेज है, ये कल्चर और हेरिटेज का विलेज है, और नागालैंड में जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये बहुत अट्रैक्शन वाला ये मंजर है। ये देखिए ये ट्रेडिशनल ड्रेस है जो उन्होंने हमें आते ही पहले पहनाया था, और आज तक ये मैंने रख साम के रखा। ये वीडियो सारी 2012 की है जब हम विजिट किया था हमने नागालैंड, ये तब की ये वीडियोस है। ये देखिए गांव का पूरे का पूरा सीन है, गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल है, और हालांकि बड़े स्कूल जो हैं वो मगाउन चौक में ही हैं। ये सारा शायद एनिमल शेड है, और ये गांव का फिर एक टोटल सीन है यहाँ पे। तो ये नागालैंड के लोग बड़े लवेबल, बहुत प्यारे लोग हैं। जब भी आप नागालैंड में जाएं, इस गांव में जरूर